यह संभवतः पहला ऐसा मामला होगा जो सागर के बनिया क्षेत्र में घटित हुआ, जिसने खून के रिश्तों को भी तार तार कर दिया, जघन्यता की सारी सीमाएं लांग दी। वो मदद के लिए पुकारती भी तो किसे, जब पिता समान चाचा ही उसके इज्जत के पीछे पड़े हो। वहीं अपनी बहन की इज्जत के लिए जान लुटा देने वाले तीन सगे भाई दरिंदों की तरह उस पर टूट पड़े हों, क्या गुजरी होगी उस मासूम पर जिसे गोद में खिलाने वाले हाथों ने ही उसकी इज्जत तार तार कर दी, उसे हवस का शिकार बनाया। इतना सब के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसका सर काट कर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले का खुलासा किया पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में इस तरह का जघन्य अपराध आज तक देखने को नहीं मिला। बता दें कि 14 मार्च को सूचना मिली थी कि खेत में एक नाबालिग का सिरकटी लाश पड़ी हुई है। क्योंकि मामला जघन्य था इसलिए इसकी गहराई से तफ्तीश भी करनी थी। मामले में मृतिका के परिजनों से पूछताछ में उनके बयानों में असामान्यता पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला दिल दहलाने वाली ये घटना। 12 साल की नाबालिग के उसके भाई और चाचा ने मिलकर चाचा के घर पर ही सामूहिक रूप से पहले तो बलात्कार किया। जब इसकी शिकायत करने की बात मासूम ने कही तो उसका गला काट दिया, जिसके बाद उसकी लाश को फेंक दिया गया। अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है मुख्य आरोपी मृतिका का बड़ा भाई रामदास, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। चाचा बंसीलाल, चाची सुशीला, भाई ब्रजेश और एक नाबालिग भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 तारीख को ग्राम बेरखेड़ी की एक नाबालिग बालिका लापता हो गई थी, जिसके घूमने की रिपोर्ट थाना बंडा में 14 तारीख को उसके पिता की तरफ से दर्ज की गई थी और खोजबीन में इस लड़की का शरीर गांव से कुछ दूर जंगलों में मिला था, जिसमें धड़ अलग था और सिर अलग था। ये बड़ी जघन्य घटना थी और बाद में जब PM हुआ और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें इसके साथ रेप की पुष्टि हुई और रेप की पुष्टि होने के उपरांत ये घटना की गंभीरता और बढ़ गई और इसमें हमारे दोनों एडिशनल SP जो बीना के हैं श्री विक्रम सिंह और सागर के श्री राजेश व्यास और बंडा DI छानबीला SO उनका पूरी टीम और SQP, ये सभी लोग 2-3 दिन इन्होंने बहुत मेहनत की और कुछ साइंटिफिक एविडेंस, कुछ गवाहों के बयान और जब कड़ी से कड़ी जुड़ी तो ये पता चला कि इस पूरी हत्या और रेप में इसके सगे भाई और जो इसका चाचा है वो शामिल है। ये कुल 3 सगे भाई इस कार्य में लिप्त थे, जिसमें से 2 की अरेस्टिंग कर ली गई है और चाचा जिसके घर में इस कृत्य को इन्होंने अंजाम दिया, चाचा की भी अरेस्टिंग कर ली गई है और इनके रक्त रंजित कपड़े और जो घटना में प्रयुक्त हसिया था वो भी बरामद कर लिया गया है और इसमें टीम ने बहुत मेहनत से काम किया। एक मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसे जिसकी हमें लोकेशन मिली है, जिसके लिए टीम ने रवाना कर दी है। उम्मीद है कि उसको हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। छोटू पटेल का नाम आ रहा था? हाँ, शुरू के नाम आ रहे थे, वो इस आधार पे आ रहे थे कि कुछ उनका विवाद चल रहा है, परंतु वो व्यक्ति उपस्थित हुए, उनसे पूछताछ हुई, तस्दीक हुई और फिर बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आया और उसमें ये पता चला कि लड़की के साथ दुष्कृत्य हुआ है जिसमें 1 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हैं और इसका बड़ा भाई घटना दिनांक से फरार है और फिर जब गवाह मिले और जब एविडेंस मिले और पूरी तस्दीक हुई तो ये घटना सामने क्या था। IG सर की तरफ से, IG सर सागर जोन की तरफ से इसमें 25,000 रुपये का इनाम पूरे खुलासे के लिए उनके द्वारा घोषित कर दिया गया था, जो कि इस टीम में जिन्होंने मेहनत की उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान रहा कि इस घटनाक्रम के बाद लड़की ने बोला कि मैं अब रिपोर्ट करने जाऊंगी और इससे घबरा कर, चूंकि चाचा भी इन्वॉल्व था, उन्होंने इसकी हत्या की। नॉर्मली परिवार में दुष्कृत्य, अवैध संबंधों की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं और उसमें न्यायालय में प्रकरण भी चले हैं कि सगे पिता या सगे भाई ने बेटी या बहन के साथ इस तरह के प्रकरण आते रहे हैं, परंतु जहां तीनों भाई इन्वॉल्व हों और चाचा इन्वॉल्व हों तो ये प्रकरण दुर्लभ श्रेणी में आए। सागर से ग्राउंड रिपोर्टर हीरा वर्मा की रिपोर्ट।